नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का रविवार को धमाकेदार आगाज हुआ। 14वें सीजन में एक नया पड़ाव जोड़ा गया है। अपकमिंग एपिसोड में धन अमृत का द्वार खुलने वाला है, मतलब पहली बार 75 लाख रुपए का सवाल दो कंटेस्टेंट के सामने होगा। इस सवाल का सही जवाब देकर वे 75 लाख रुपए जीतेंगे। अगर जवाब गलत निकला तो सीधे 3,20,000 पर पहुंच जाएंगे। शो के नए प्रमो सामने आया है, जिसमें दो कंटेस्टेंट की जर्नी को दिखाया गया है। एक है प्रोफेसर धूलीचंद अग्रवाल और दूसरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति दागा। सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों पहले ही एपिसोड में 15वें सवाल तक पहुंच गए हैं। वे धन अमृत का द्वार खोलने जा रहे हैं। दोनों ही महारथी हैं और अपने अद्भुत ज्ञान से सभी मुश्किल 14 सवालों के जवाब देकर इतना आगे आए हैं। गेम के इस मुकाम पर आकर क्या ये दोनों कंटेस्टेंट सही जवाब दे पाएंगे, इसका जवाब पाने के लिए आपको बस कुछ घंटों का इंतजार और करना होगा। कंटेस्टेंट धूलीचंद अग्रवाल क्विज शो में आने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केबीसी के मंच पर आना उनके 21 साल की साधना है, जिसका अध्याय अब पूरा होने वाला है। उन्होंने केबीसी को कभी खेला नहीं बल्कि जिया है। गेम शो के लिए ऐसा जुनून देखकर अमिताभ बच्चन भी इम्प्रेस दिखे। धूलीचंद अपनी 3 लाइफ लाइन गवा कर 50 लाख रुपए जीत चुके हैं। अब वे धन अमृत के 15वें सवाल पर पहुँच चुके हैं। दूसरी कंटेस्टेंट श्रुति ने 15वें सवाल पर आकर अपने परिवार को डिस्क्लेमर दिया है। कहा कि अगर जवाब गलत हुआ तो कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। तो आप भी रात 9 बजे अपनी टीवी स्क्रीन के पास आकर बैठ जाए और कौन बनेगा करोड़पति को देखना मिस ना करें। दोस्तों, इन दोनों ही कंटेस्टेंट के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।